तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू एनीथिंग प्रोजेक्ट में। तो आज हम एक और भी कूलर बनाएंगे। तो इस कूलर का वीडियो शॉर्ट वीडियो में भी दिया हुआ है, लेकिन इस कूलर को हम मॉडिफाई करेंगे। वो हवा थोड़ा कम होता है तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो चलो गाइस जब वीडियो को शुरू करते हैं, तो पहले आपको एक प्लास्टिक का जार लेना है, प्लास्टिक का थोड़ा सा छोटा सा एक डिब्बा लेना है। उसके बाद एक पाइप को आपको काट के आर पार छेद करके यहाँ पर सेटिंग करके ग्लू गन से चिपका देना है, ऐसे एकदम टाइट करके, ठीक है। और ये जो ढक्कन है इसको ऐसे मेरी जैसे काट लेना है। और आपको लगेगा एक एडजस्ट फैन 5 वोल्ट का भी ले सकते हैं, हम 12 वोल्ट का एडजस्ट फैन लिया है। इसको ऊपर में बैठा के एडजस्टमेंट को मिडिल कर देंगे एंड ग्लू गन से चिपका देंगे। तो चलो गाइस दिखाते हैं वीडियो को। हम आगे ये जो पंखा है इसको लगाते हैं। ये हवा को थोड़ा बहुत ही कम देता है और ये जो एडजस्ट फैन है बहुत ज़्यादा हवा देता है। आप जब यहाँ पर अंदर में बर्फ रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा कूल हवा निकल के आएगा। तो ये आप बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने के बाद आपको, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए आप अगर 5 वोल्ट का फैन एडजस्ट यूज़ करें तो आप इस मॉड्यूल को लगा सकते हैं एक बैटरी के लिए, ठीक है। और आप अगर 12 वोल्ट का फैन यूज़ करें तो 12 वोल्ट का मॉड्यूल आपको लगाना पड़ेगा। तो वो मॉड्यूल मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको सिंपल बैटरी से इसको चला के दिखाऊंगा। वो मॉड्यूल जब आएगा तो मॉड्यूल का सप्लाई मैं दिखा के देखूंगा। ये है मॉड्यूल, चार्जिंग मॉड्यूल है, 5 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट नहीं होता है। तो हम इसको सिर्फ चला के दिखाएंगे, चार्ज अभी नहीं होगा। तो इस स्विच को हम एक साइड में लगा देंगे। सबसे पहले आप इस तीनों बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करें वोल्टेज बढ़ने के लिए। ये एक एक बैटरी 3 एम्पीयर का है, 3 एम्पीयर का है और इसका इमेज है 3800 mAh। 800 mAh का बैटरी है, 3 एम्पीयर का, एम्पीयर ज़्यादा नहीं लगता। 12 वोल्ट आपको सीरीज में करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने बैटरी का कनेक्शन कर दिया है, आपको दिखाता हूँ। देखिए एक बैटरी का प्लस इधर, ठीक है, और माइनस गया और एक बैटरी का प्लस में, ठीक है। ए बैटरी चलाया माइनस, ए माइनस गया और बैटरी के प्लस में, ठीक है। और यहाँ से निकला माइनस और यहाँ से निकला प्लस, ये दोनों पॉइंट है 12 वोल्ट का। मैं आपको वोल्टेज मीटर से चेक करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए ए 11 वोल्ट दिखा रहा है, तो एकदम सही है। 12 वोल्ट 11 वोल्ट एकदम सही होता है। अब हम इस बैटरी को डबल साइड टेप से मदद से यहाँ पर चिपका देंगे। देखिए हमें 3 बैटरी यहाँ पर सेटिंग कर दिए हैं। हम एक एक करके इस ये जो वायर है, इस वायर को डायरेक्ट हम एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे। इस वायर को यहाँ से, ए वायर है माइनस वायर, इस माइनस वायर को ये जो एडजस्ट फैन का माइनस है वहाँ से कनेक्ट करने दे रहा है।
तो गाइस ये एकदम ही रेडी हो चुका है। 3 पीस बैटरी, एक स्विच, एडजस्ट फैन एंड तो इसका हवा हम आपको दिखाते हैं। अब हम इसको चेकिंग करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये है हमारा पैकेट, यहाँ पर दिया हूँ। बहुत ही अच्छा हवा दे रहा है, देखिए देखिए, ऑफ कर देता हूँ। देखिए देखिए, देख सकते हैं इसको, हम जब ऑन करेंगे तो ये ऊपर उठेगा। देखिए देखिए कितना ज़्यादा हवा है, कितना ज़्यादा हवा दे रहा है। फ़ैन एकदम घूरा है, देखिए देखिए फ़ैन घूरा है, ये ऑफ हो चुका, ये घूरा है उसका हवा का प्रेशर। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हवा प्रेशर है। इसको ऑफ करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बर्फ़ देखे हम, देखते हैं बर्फ़ यदि मिल अगर मिलता है तो देखते हैं बर्फ़ देखें।